For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस ने इंडस्ट्री को बहुत सारे अलग अलग पहलुओं से एक्सपोज कर दिया है। जी हाँ, और जैसा हम हमेशा कहते हैं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। एक टाइम के बाद ही सही, भले ही आंखें खुलने में बहुत बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, बहुत बड़ी चीज़ें हो गई इस बीच में, लेकिन अब जब आँख खुली है तो शायद बंद नहीं होगी। और ये मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर डंका बजा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। हर जगह पर लोग जो है वो इंसाफ चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं। ऐसे में नेपोटिज्म के खिलाफ तमाम आवाज़ें उठ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अनन्या पांडे से लेकर सोनम कपूर से लेकर आलिया भट्ट से लेकर करण जौहर से लेकर वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान तक हर किसी को सोशल मीडिया पर लोग अनफॉलो कर रहे हैं, बिकॉज नॉट वर्थ इट जेन्युइनली। अब अगर बात की जाए सलमान खान की, तो मैं उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स आपको बताती हूँ। जब सुशांत सिंह राजपूत जब थे तब उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स थे तकरीबन 34+ मिलियंस। लेकिन जैसे ही ये किस्सा हुआ है और उसके बाद से तमाम नाम सामने आ रहे हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इंडस्ट्री में धमकाना, डराना, गैंगिज्म की चीज़ें सामने आ रही है, उसके बाद से सलमान खान के फॉलोअर्स जो हैं वो ड्रास्टिकली नीचे जा रहे हैं। जी हाँ, 33.5 मिलियन रह गए हैं और बहुत तेज़ी से कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, यानी कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कमेंट सेक्शन की अगर बात की जाए तो हर फोटो के नीचे कमेंट सेक्शन में लोग अपना गुस्सा कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं, अपनी नफ़रत कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इट टुक अस अ लाइफ टू रियलाइज दैट व्हाट एक्चुअल टैलेंट वॉज। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हम कितने भी अब मोर्चे खड़े कर लें, लेकिन जिसको जाना था वो जा चुका है। पर इन सब चीज़ों को लेकर जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, इनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों की तकलीफ जो है वो कम नहीं हो रही है। वेल, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। एक के बाद एक लोग जो है वो लगातार शेयर करते चले जा रहे हैं सुशांत के साथ या तो फोटोज़ या उनके उनसे रिलेटेड कहानियाँ। ऐसे में हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपने कंडोलेंसेस शेयर किए। कल थोड़ा लेट था लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने कंडोलेंसेस शेयर किए सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली के लिए। उन्होंने अपनी स्टोरी पर ऐड किया, उन्होंने स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हर जगह पर। सो शॉक्ड एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड कंडोलेंसेस टू सुशांत फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालांकि ये थोड़ा लेट कंडोलेंसेस विशेस थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, अभी तक भी इस बात को अब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी इस केस के बारे में खुलना बाकी है, और हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा जो है वो बनकर सामने आता है। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं, कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आपको के अंगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से, डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइफ सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी ना जाने कितने अनगिनत झूठ, और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए
गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निकाला, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उनको उनपे केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। सलमान खान की वीरगति को स्टार, जी हाँ, यानी कि पूजा ददवाल जो कि एक समय में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आई थी क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस से गुजर रही थी, ऐसे में सिर्फ सलमान खान उनके सपोर्ट में खड़े होकर आए और सलमान ने उनका पूरा इलाज करवाया। और सिर्फ यही नहीं, जब मूवीज अड्डा में हमने उनका इंटरव्यू किया था उन्होंने बातचीत के दौरान बताया किस तरीके से पूरा लगभग 6 से 7 महीने तक सलमान खान ने आफ्टर द ट्रीटमेंट सलमान खान फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने उनका ध्यान रखा है। अब ऐसे में एक और बार मदद की गुहार लगा रही है पूजा ददवाल। जी हाँ, हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है पूजा का जहां पर वो जो है इस बात को कह रही हैं कि मैं शायद मुझे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कोविड-19 के, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कोविड-19 का टेस्ट करवाने के लिए और इलाज करवाने के लिए। मैं सलमान खान से इस बात की गुहार लगाती हूँ कि प्लीज मुझे जो है मुझे हेल्प कीजिए, एक बार वापस मुझे आपके शरण में आना पड़ रहा है, मुझे हेल्प की जरूरत है। इस तरीके से उन्होंने गुहार लगाई है। हालांकि अभी तक बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन पूजा ददवाल ने वापस से एक और बार सलमान खान के सामने अपनी झोली फैलाई है और कहा है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, कोविड-19 का टेस्ट करवाना है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें अगर कोविड-19 होता है तो वो इलाज भी उनका उन्हें कराना है, जिसके लिए वो फाइनेंशियली बिल्कुल रेडी नहीं है। तो क्या कुछ आप एज अ फैन कहना चाहेंगे इस चीज पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। जी हाँ, हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के लिए बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी गई है और इन बहुत सारे लोगों में प्रोमिनेंट नेम्स है एकता कपूर, करण जौहर एंड सलमान खान, द बॉलीवुड गैंग जो समझता है कि वो बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। मगर इन नामों में से एकता कपूर और करण जौहर को पद्मश्री दिया जा रहा है बाय द मोदी सरकार। मुझे लगता है कि इनको अब पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए बिकॉज दे डू नॉट डिजर्व इट आफ्टर व्हाट दे डू टू न्यू कमर्स एंड एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। जी हाँ, ये लोग गैंग बनाते हैं, लोगों से काम छीनते हैं अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती। एंड ऑब्वियसली जब इनकी ये सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है तो एज एन इंडियन सिटीजन आई वुड नॉट लाइक टू सी एन एकता कपूर एंड एन करण जौहर रिसीविंग अ नेशनल अवार्ड दैट इज अ पद्मश्री फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा। एकता कपूर ने कहा है कि उसने तो सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेक दी है, मगर एकता कपूर तो इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है कि वो ब्रेक उन्हीं लोगों को देती है जो न्यू कमर्स होते हैं सो दैट वो उनसे 20-20 घंटे काम करा सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या ना के बराबर पैसे में। क्योंकि जब मैंने उसके साथ नच बलिए में काम किया था तो हमने हमारी पेमेंट मांगने के लिए 3-3 महीने तक हमको लटकाया था एज इफ वी आर सम बेगर्स। दैट्स हाउ दे वर्क, दैट्स हाउ दीज टेलीविजन प्रोड्यूसर्स मेक मनी। दे डोंट इवन गिव यू पेमेंट दैट यू डिजर्व बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप द पेमेंट विद देमसेल्व्स सो दैट दे कैन अर्न मनी फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। तो एकता कपूर, आपने किसी को ब्रेक नहीं दिया, आप न्यू कमर्स को ब्रेक देती है सो दैट आप न्यू कमर से 20-20 घंटे काम करा सके, जबकि रूल है कि 12 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं होनी चाहिए। रही बात करण जौहर की, करण जौहर, यू से दैट यू वर्क विद स्टार्स, यू कैन वर्क विद स्टार्स एंड मून्स एंड व्हाटएवर यू फील लाइक बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नोबडी इज गोइंग टू वॉच योर फिल्म। सो टेक अवे द पद्मश्री दैट हैज बीन अवार्डेड टू करण जौहर एंड एकता कपूर एंड दैट इज माय रिक्वेस्ट टू मोदी सरकार। नमस्ते। सुशांत सिंह राजपूत केस में तमाम एक के बाद एक चीजें जो है वो सामने आती जा रही हैं और इस वक्त यशराज से रिलेटेड एक और पुलिस ने जो है वो अपडेट मांग लिया है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है पुलिस ने यशराज से, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। यशराज फिल्म्स से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी गई है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट की। वेल, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म्स से हटा दिया गया था, कुछ फिल्म्स उनके हिस्से की, चाहे वो बेफिक्रे हो या फिर एक दो और फिल्म्स, और जब पानी से
यशराज ने बैकआउट किया। इन सभी फिल्मों से कहीं ना कहीं रिलेटेड जो कॉन्ट्रोवर्सी है इस पर पुलिस जो है वो नजर रखने वाली है। ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि पुलिस ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी मांगी है यशराज से, और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि क्यों आपने सुशांत सिंह राजपूत को इन फिल्म से हटाया, उसका एक लीगल रीजन चाहिए, उसका एक एक्ट रीजन चाहिए, और उसके साथ साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो बेफिक्रे के हों, चाहे वो पानी के हों, हर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो भी आपका सुशांत सिंह राजपूत के साथ था, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, ये सब इन्फॉर्मेशन पुलिस ने मांगी है यशराज से और उनके मैनेजर से, यशराज के मैनेजर से। सो कहीं ना कहीं अब सिर्फ सलमान खान नहीं, एकता कपूर नहीं, बल्कि करण जौहर ही नहीं, बल्कि यशराज भी अब आड़े हाथों आ चुका है। देखना ही होगा किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके सामने आती हैं। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का केस आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मीडिया से लेकर हर जगह पर हर रोज एक ना एक नई खबर आ रही है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि राब्ता से रिलेटेड आलिया और करण जौहर का किस तरीके से लिंक किया गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक तरीके से हाहाकार मची हुई है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की और एक्चुअल रीजंस जानने की कि क्यों ऐसा हुआ और क्या हुआ एक्चुअल में। ऐसे में एक बात सामने आ रही है कि जब राब्ता फिल्म साइन की थी सुशांत सिंह राजपूत ने होमी अडजान्या, इस फिल्म में मैं आपको बता दूं कि कृति सैनन से पहले आलिया भट्ट साइन की गई थी। जी हाँ, आलिया भट्ट ने राब्ता साइन की थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लेकिन एन मौके पर शूटिंग शुरू होने के महज एक दिन पहले आलिया भट्ट ने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया। आपको अगर याद हो तो बीच में खबरें भी आई थी कि राब्ता जो है वो डिले हो रही है, बार बार डिले हो रही है। उसका रीज़न ये था क्योंकि एक्ट्रेस ही नहीं थी फिल्म शूट करने के लिए। जी हाँ, राब्ता के डिले में आलिया भट्ट ने बैकआउट किया क्योंकि करण जौहर के कहने पर उन्होंने बैकआउट किया, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक कोई नहीं दे देता हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ खबरें इसी तरीके से आ रही हैं कि करण जौहर के कहने पर आलिया भट्ट ने राब्ता फिल्म से लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर लिया और उसके बदले उन्होंने दूसरी फिल्म को चूज़ किया। और जिस रीज़न से करण जौहर और आलिया के इस हरकत से सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे, यही नहीं बल्कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने एक ट्वीट किया था बहुत पहले जब उन्होंने ये लिखा था कि कुछ लोग डेलिब्रेटली ऐसी हरकतें करते हैं और इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं कि उनकी स्टोरीज से ज़्यादा उनके ये ड्रामे जो हैं वो चर्चा में रहते हैं और जानबूझ के लोगों को परेशानियों में डालते हैं। इस तरह की बातें लिखी थी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बातें हैं जो अब धीरे धीरे रिवील हो रही हैं।